राम राम भाइयों, ये अपडेट है वाटर फास्टिंग की। अभी कितने, 3:30, हाँ 3:30 बज रहे हैं। तो मंडे को सुबह 6 बजे से शुरू किया था हमने वाटर फास्टिंग, 6 से 6:12, फिर सुबह 6:24, और अभी 12 होने में 2.5 घंटे और बाकी हैं, 36 घंटे का हो जाएगा पूरा। तो अभी फिलहाल हमको 33 घंटे के आसपास हो गए हैं, और भाई बहुत तगड़ी क्रेविंग हो रही है। और वीकनेस तो खैर नहीं महसूस हो रही, पता नहीं, चर्बी इतनी भरी हुई है शायद शरीर में जो अभी निकलनी है। लेकिन डाइटिंग से अच्छा मुझे वाटर फास्टिंग लग्या, कि आप अपना रेगुलर काम भी करते रहते हो और आप अपने जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं और जो शरीर के जो न्यूट्रिशन लेवल की जो एक है उसको भी आप नहीं छोड़ते, और वो भी आप देते रहते हो बॉडी को। तो और कोई इफेक्ट, कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। तो अभी जैसे मेरे को 30 घंटे के आसपास हो गया है, तो बस बीच बीच में एक बार जैसे करंट सा नहीं लगता, ऐसा अंदर कुछ लगता है कि फ्लो हो रहा है कुछ, जैसे कबा जब कब अगर आप काफ़ी टाइम के बाद ठंडा पानी पियो तो जो फ्लो पता चलता है ना कि पेट में जा रहा है, वैसा वैसा पूरे अपर बॉडी में और लोअर बॉडी में धीरे धीरे कभी कभार एक फ्लो सा आ रहा है तो पता चल रहा है। उसके अलावा सच कुछ है नहीं। बाकी पानी तो देखो, मैं मेरे ख्याल से 2-2.5 लीटर 3 लीटर के आसपास ठंडी होने की वजह के बावजूद भी 3-3.1 लीटर पानी तो मैं पी रहा हूँ। तो मैं एक साथ ज़्यादा पानी नहीं पीता, एक घूंट दो घूंट एक साथ पी ली, उसके बाद फिर आधे पौने घंटे बाद दोबारा फिर पी लिया, ऐसे चल रहा है। लेकिन अच्छा है, और मुझे लग रहा है कि रिजल्ट भी इसका अच्छा आएगा। बाकी देखते हैं, 36 घंटे हो जाएंगे। कोशिश करेंगे कि आज रात का भी वाटर फास्टिंग कवर कर लें उसमें, अगर हो पाया तो, नहीं हो पाया तो फिर हम रात को कुछ खाएंगे, हल्का फुल्का ही खाएंगे, कुछ ज़्यादा रोटी और इन पे चावलों पे नहीं टूटना, सैलेड वगैरह से स्टार्ट करेंगे दोबारा से। चलिए फिर हम आपको अपडेट रखेंगे, अगर आपको अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करो और शेयर करें ये वीडियो। थैंक यू।